डिटरमिनेंट चैप्टर की असं एक्सरसाइज सी करन जा रहे हैं। ठीक है जी, ये जिमें उन्होंने सानू किया हुआ है कि लैफ्ट हैंड साइड वाला डिटरमिनेंट तुसी प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड दे इक्वल है। ठीक है, असं की करना है जिहड़ी ये वाली एक्सरसाइज है ये बेस्ड होएगी प्रॉपर्टीज़ दे। ठीक है, इस करके जिहड़ी वीडियो दे स्टार्टिंग दे विच तुहानू प्रॉपर्टीज़ दस्सियां गईयां ने उन्हां प्रॉपर्टीज़ नू जरूर ध्यान नाल सुनो, हो सके तो इन्हों नोट डाउन कर लो तो थोड़ी देर लिए इन्हों रिवाइज़ भी करो तो जो जी वाली एक्सरसाइज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैगी है, जो तुम चंगी तरह रिवाइज़ कर सकोगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हाँ जी, उन्होंने क्या होया ए प्लस एक्स वाई जैड एक्स ए प्लस वाई जैड एक्स वाई ए प्लस जैड इस डिटरमिनेंट तुम राइट हैंड साइड को प्रूफ करना। हूँ राइट हैंड साइड देखो तो साढ़े को एक फैक्टर आ रहा है एक्स ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जैड। ठीक है जी, इट मीनस कि जोड़ा आह वाला फैक्टर है ना, आह वाला फैक्टर तुम इस डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करना। पर जेकर तुम इस डिटरमिनेंट डायरैक्टली जिमें पहला सॉल्व करते आए हो जिमें तुम मैथड पिछली वीडियोज़ दसिया सॉल्व करोगे तो बड़ा ही लेंथी तो कॉम्प्लीकेटड होएगा। ठीक है, इस करके इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए असं ऑपरेशन यूज़ करा, ये ऑपरेशन मैट्रिक्स चैप्टर के करके आए हो। ठीक है जी, तो जे तुम नहीं किए तो दोबारा वो वाली एक्सरसाइज जोड़े वीडियोज़ ने उन्होंने देख लो तो ये ऑपरेशन सीख लवो। ठीक है जी, असी की करना है सब तो पहले असी चैक किया कि ये सारिया रोज़ के जोड़े एलीमेंट्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े डिफर होने करके सेम भी है। असी की किया ऑपरेशन लगाया कॉलम वन से, कॉलम वन के ऑपरेशन लगाया जी, कॉलम वन के कॉलम टू तो कॉलम थ्री ऐड किए। जो तुम कॉलम वन के कॉलम टू कॉलम थ्री ऐड करोगे तो ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जैड पहले कॉलम का फस्ट एलीमेंट, उस तो बाद एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस जैड सैकेंड एलीमेंट आ जाएगा फस्ट कॉलम का, एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस जैड थर्ड एलीमेंट आ जाएगा फस्ट कॉलम का। तुम देखो कि सारिया वैल्यूज़ की है ने सेम। ठीक है जी, असं की करना इन्हों वैल्यूज़ में कॉमन काट लेना। जो तुम इन्हों वैल्यूज़ में कॉमन काट लोगे, जो तुम इन्हों वैल्यूज़ में कॉमन काट लोगे, ठीक है, तो तुहाडे कोल फस्ट कॉलम की बन जाएगा वन वन वन। ठीक, जो तुहाडे कोल फस्ट कॉलम जिहड़ा वन 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 बन जाए तो तुम नैक्सट ऑपरेशन लगाने होंगे ने रो के उपर। की ऑपरेशन लगाने जी, आर टू तो ऑपरेशन लगाया जी आर टू माइनस आर वन। देखो आर टू के जिमें वन के वन माइनस करोगे आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है जी, ए प्लस वाई के वाई माइनस करोगे आंसर आएगा ए, जैड जैड माइनस करोगे आंसर आ जाएगा जीरो। सिमिलरली तुम आर थ्री के भी ऑपरेशन लगा देना, आर थ्री तो ऑपरेशन लगाया आर थ्री माइनस आर वन मीनस वन माइनस वन जीरो, वाई माइनस वाई जीरो, ए प्लस जैड माइनस जैड आंसर की बचेगा तुहाडे कोल ए। ठीक है, एक गल याद रखो कभी भी रो वन के उपर ऑपरेशन नहीं लगाने, जे तुसी रो वन के ऑपरेशन लगा देंगे तो यह डिटरमिनेंट जिहड़ा आ जां ते जीरो बन जाएगा जे कंप्लीकेटड हो जाएगा। ठीक है, इस करके रो वन ते जीरो नहीं सॉरी ऑपरेशन जिहड़े आ नहीं लगाने। हुण तुसी इहदा डिटरमिनेंट सॉल्व करो जिवें असीं पिछले एग्जाम्पल्स विच करके आए सीगे पिछली वीडियोज़ दे विच सीगा, वन दा डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तुहाडे कोल सिर्फ बचेगा ए स्क्वेयर माइनस जीरो। ठीक है, जे तुसी वाई दा डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे जीरो इंटू ए जीरो 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 ज़ा जीरो खत्म हो जाएगा, जेड का डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे जीरो जीरो ज़ा जीरो ए जीरो ज़ा जीरो। इहदा मतलब कि इहदे चों कंक्लूजन की निकलती है कि जदों आह दो वैल्यूज़ साढ़े कोल जीरो आ जान, आह वालियां दो वैल्यूज़ जीरो आ जान तो उदों सिर्फ तो सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व होंदा इन्ने पोर्शन का, आह वाले पोर्शन का डिटरमिनेंट सॉल्व होएगा। तो जेकर तुहाडे कोल जीरो आ जान वाई तो जैड की जगह पर इतने जीरो बन जा। ठीक है, फिर सिर्फ आ वाला पोर्शन सॉल्व होंगे, मोस्टली यही ऑपरेशन जड़े ने लगते हैं। ठीक है, हम तुम जो इन सॉल्व करोगे तो आंसर की बचेगा जी ए स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस जीरो आंसर इज ए स्क्वेयर, इक्वेशन जो मल्टीप्लाई होएगी तो यह कि कोल हो जाएगा राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल तो चलते हैं जी, नैक्सट एग्जाम्पल भी प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही होएगी। असं ये की करना है जी, कहता कि प्रूफ करो दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल है, असं भी ये की देखिया कि ये भी साढ़े को ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। ठीक है, यानी कि ये एक चीज़ फैक्टर जो सू कॉमन कढ़ना पेगा। एक गल याद रखियो जो भी डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके का आता है बार फैक्टर्स दिते होंगे ने तो मोस्टली डिटरमिनेंट के उपर ऑपरेशन लगा के असी एक फैक्टर जो जरूर कॉमन कढ़ लें। हूँ जो आह वाला फैक्टर सूँ दिता हो दो वेरीएबल का प्रोडक्ट है, इट मीनस इन्हें सॉल्व करना मुश्किल होएगा।
ठीक है, क्योंकि इतने साढ़े को सारे जेड़े हो सिंगल सिंगल ने, कोई भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं है कोई भी वेरीएबल जरा आज की है ए प्लस बी प्लस सी। असी जेकर इन सोल्व करने की कोशिश करिए तो साढ़े को आएगा 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। ठीक है, असी की करा ये उपर ऑपरेशन लगावे, कि ऑपरेशन लगेगा सी वन प्लस सी टू सी थ्री। सी वन तो ऑपरेशन, दिस इज़ द साइन ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का साइन लगाया जी सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, साढ़े को इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, मैं एक सॉल्व करके तुम दिखाई हाँ। जिमें देखो 3a माइनस ए माइनस ए, इट मीनस साढ़े को आएगा 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी आ रहा साढ़े को 3a 3a चो ए माइनस करोगे 2a 2a चो ए माइनस करोगे की बचेगा a प्लस बी प्लस सी। असी की करना ये सारी इक्वेशन जी फस्ट कॉलम के बना लेनी, ये चो की होएगा ए भी बाहर आ जाएगा, जो ए वाला a प्लस बी प्लस सी बाहर आएगा एज ए फैक्टर तो साढ़े को इतने की बचेगा 1 1 1। ठीक है जी, आ देखो ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया साढ़े को इतने की बचता पाया 1 1 1। ठीक है, कॉलम टू कॉलम थ्री तुम एज इट इज़ रहन देने। एक गल होर है जी नोट करने वाली, जिस डिटरमीनेंट के उपर तुम ऑपरेशन लगा रहे हो, जोड़ा ऑपरेशन लगा रहे हो वो फुट के लिखा जाता है इतने। ठीक है जी, आने कि तुम ऑपरेशन जोड़ा है वह उपर लिख देवो तो सॉल्व उन्होंने नीचे करो, नहीं ऑपरेशन जोड़ा वो लिखा जाता। ओके गाइस, नेक्स्ट असं देखते हैं कि साढ़े को आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार कॉमन आ जाएगा, तो असं की करा सेम नैक्सट जो डिटरमीनेंट बाकी बचता है वो उपर ऑपरेशन लगावे। जो तुम ये उपर ऑपरेशन लगाओगे तो ऑपरेशन कि लगेगा सेम उही ऑपरेशन आर टू माइनस आर वन। ठीक है जी, ऑपरेशन लगा के असी इन्हें सॉल्व किया, सॉल्व करके थोड़े को देखो कि बचता पाया 2b प्लस ए ए माइनस सी ए माइनस बी 2 इंटू सी प्लस ए। तुसी इन्हें सॉल्व कर दो, जो तुसी इन्हें सारा सॉल्व करोगे तो वापस इक्वेशन की बचती पई है तुहाडे कोल मल्टीप्लीकेशन करन तो बाद आ वाली। ठीक है जी, साढ़े कोल इत्थे की हैगा 2ab प्लस 4bc 2ab प्लस 4bc प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए सी माइनस इन दोवों का प्रोडक्ट। ठीक है, असं इतने ब्रैकेट खोलेंगे, देखो 2ab एंड ab कितना हो जाएगा 3ab 4bc माइनस bc 3bc 2 इंटू ए सी प्लस ए सी 3ac ए स्क्वेयर एंड माइनस ए स्क्वेयर बोथ विल बी कैंसल। हुण इस सारी इक्वेशन चो की आ रहा है जी 3 कॉमन आ रहा है, आ वाला फैक्टर एज इट इज़ अंदर की रह जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, ये साढ़े को हो जाएगी राइट हैंड साइड जो असी प्रूफ करनी सी।